जैसे कहते हैं जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते भी जी। दोस्तों, ये मुमकिन है कि कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद या फिर कुछ दिन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उनके नेता कंगना रनावत का पुतला जलाने लग जाए, या फिर कंगना रनावत के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठ जाए और कंगना रनावत के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंगना रनावत ने यहाँ एक इंटरव्यू देते देते एक ऐसी बात कह दी है कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल दोस्तों, एक पत्रकार जो कि कंगना रनावत से उनका बैठ लेती है और उनसे कुछ सवाल पूछती है, जिसके बाद कंगना रनावत ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि जिसको लेकर, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ घंटे, कुछ देर या फिर कुछ दिन के बाद बीजेपी नेता कार्यकर्ता खुद कंगना रनावत के खिलाफ उतर पड़ेंगे। मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए कि कंगना रनावत क्या कह रही है और क्या बोल रही है अपने ही नेता के खिलाफ। एक चर्चा और हो रही है कि कुछ पार्टी के अपने ही नेता हैं जो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सुगबुगाहट है कि आप सुनते नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हम एडजस्ट कंगना के साथ नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में तालमेल बिठाने की आपने कोशिश की क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खैर अफवाहें हैं जी। और जब, जैसे कहते हैं, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते भी। तो वीडियो देख लिया आपने, अब सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को लेकर बवाल मच चुका है। क्योंकि कंगना रनावत का ये जो छोटा सा क्लिप है जिसमें एक पत्रकार कंगना रनावत से पूछ रही है कि हिमाचल में बीजेपी के नेता आपके खिलाफ है, तो कंगना रनावत ने शायद इस बात को नहीं समझा, या फिर कंगना रनावत समझकर जो कुछ कंगना रनावत ने बोला है वो आपने सुना है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंगना रनावत के इस वीडियो को सुप्रिया सिरनेत ने ट्वीट किया है, लिखा है, एक जरूरी खबर, पद्मश्री कंगना जी ने बीजेपी हिमाचल के नेताओं को भौंकने वाला कुत्ता कह दिया, समाचार समाप्त। ये सुप्रिया सिरनेत ने लिखा है। उसके बाद आप देखिए, एक और यूजर है जो लिखती है, अपने ही पार्टी के लीडर को कुत्ता बोल रही है कंगना। अब यहाँ पर हो सकता है कि कंगना रनावत समझी नहीं कि पत्रकार ने उसे क्या सवाल पूछा है, या फिर कंगना रनावत समझकर जो कंगना रनावत ने जवाब दिया है, जैसे कि आपने सुना कि कंगना रनावत ने जो जवाब दिया है वो जवाब क्या था। अब इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बवाल मचा हुआ है। अब जब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा और उसके बाद अगर बीजेपी के नेता या फिर कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है, तो ये मुमकिन है कि वो विरोध कर सकते हैं कंगना रनावत का। क्योंकि हिमाचल के बीजेपी नेताओं के बारे में ये सवाल पूछा गया था, जिसको लेकर कंगना रनावत ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। तो अब देखिए कि अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में, कंगना रनावत के बारे में, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।